ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد ثناء الله جل جلاله واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما پیغمبر اعظم قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستو بزرگو بھائیو اللہ دی بارگاہ جزیلہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اے خطبہ جمعہ دا درس و تدریس دا سلسلہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے خوش قسمت و لوگ نے جڑے بہت بڑا اجر پاندے نے خطبہ شروع ہون تو پہلے اللہ دے گھارے جاندے نے
उन्हां दे मुकाम नाल कोई बंदा कभी भी नहीं मिल सकता इला कि वह भी ये काम करन लग जाए फिर उन्हां दे मुकाम दे नाल मिल सकेगा। प्यारे भाइयों अल्लाह अकबर अल्लाह मजमून शुरू कर दिया ही यकीन जानो दिल कंब जे कंब रहा है कि मैनू तो पता है दे अंदर की बयान होना है। दुनिया की हकीकत अज दा खिताब जेड़ा दुनिया की हकीकत अल्लाह अकबर जेदे पिछे असी अगर साड़ी किसे दी 50 साल या 60 साल जिंदगी है असी 45 साल है जी एक काम 50 साल वो सारे दुनिया वास्ते ही खर्च कर दिते ते जेड़ी एवें पता ही नहीं जेदे सैकेंड दा नहीं पता इतबार नहीं एक साह जेड़ा आया दूसरा आएगा या नहीं एदा भी नहीं पता एदे वास्ते सारी जिंदगी खपा दिती ते जेड़ी जेड़ा जहान आखरत वाली जिंदगी वो जेड़ी खत्म होनी नहीं ओदे वास्ते कुछ कीता ही नहीं। अल्लाह ये ते इंजे बंदा जिवें पेपर देने वास्ते बस किसी एग्जामीनेशन हाल चला गया बस इतना की है ना मसला ये क्वेश्चन पेपर तुहानू दे दिता गया दुनिया के अंदर इनू हल करो ये सवाल तुहानू लिख के दे दिते गए इन्हां दे जवाब अल्लाह अकबर अल्लाह भावें जवाब लिख के अपने को लिख के उत्ते वेख के दे दो अल्लाह ता भी पास कर देगा फिर वेखो हालांकि किसी एग्जामीनेशन हाल दे विच तुहानू उन्हां दे जवाब लिखे हुए तुहानू नहीं कोई पकड़ाएगा कहेगा याद करके दसो क्यों जी अर्श वाले ने इतना आसान इम्तिहान दिता है इतने क्वेश्चन आसान ने कि उत्ते वेख के चंगी तरह उन्हूं हाँ जी ए कोई क्वेश्चन ओदा जवाब दे दो ते तां वी नंबर 100/100 पूरे। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह दुनिया की हकीकत अल्लाह अकबर इन आयात दा जिदे बारे अंदर फरमाया गया सिर्फ तर्जमा करके मैं अगे चलांगा अगले इंशाअल्लाह खुतबे दे अंदर इन्हां दी मुकम्मल वजाहत होएगी जिहड़ियां मैं खुतबे च आयतां पढ़ियां ने उन्हां चो दो आयात फरमाया जी बल तुसिरूल हयात दुनिया ओ लोगो तुसी कियो के दुनिया दी जिंदगी अंदर ही तुसी गुम हो गए हो तुसी तरजीह देंदे हो ते दुनिया दी जिंदगी नू ए माना है बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरत खैर व अबका हालांकि आखिरत वाली जिंदगी बेहतर नाल फरमाया अबका बाकी रहने वाली अल्लाह जी मेरे प्यारे भाई तवज्जो नाल बात नूं सुनदियां चला जाना मेरे और तुहाडे प्यारे महबूब पैगंबर दी हदीस बयान करन वाले रावी हद्दसना मुहम्मद इब्न हातिम जनाब बयान करदियां सनद अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان الدنيا ملعونه الله اكبر الله मेरे तेरे प्यारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हदीस तिर्मिज़ी शरीफ दी सही सनद नाल सिर्फ इक्को ही हदीस अज पूरे आयात कुरान दियां बहुत ज्यादा आ गईयां कुरान पढ़िया जाएगा और दुनिया की हकीकत वाजे करके रह जाएगी और फिर नाल बुखारी शरीफ दियां मुस्लिम दियां बुखारी दियां मुस्लिम दियां सारियां हदीसां बहुत जनाब इमामैन शेखैन ने जो मुत्तफकन अलैह रवायात ने अपनी अपनी सही अंदर अपनी अपनी सही अंदर बयान फरमाइया बाकी सारिया रवायात इंशाल्लाह बुखारी और मुस्लिम दियां अज पेश हो गईयां तवज्जो फरमाना क्यों जो ये मेरी जड़ी हदीस मैं तिर्मिज़ी शरीफ दी बयान कर लगे हाँ ये 2322 नंबर यानी 23 22 23 इधर खबे पासे लिखोगे 23
2 ठीक है ना। ये नंबर इस हदीस दा है तिरमिज़ी शरीफ दी, ये मेरे मजमून दी मेन और रीढ़ दी हड्डी दी हैसियत रखने वाली हदीस है। इस वास्ते मैं सब तो पहले तिरमिज़ी शरीफ दी सही हदीस लैके आया, सनदन सही है अल्लाह के फदल नाल। और ये अंदर हजरत अबू हुरैरा रावी, मेरे और तुहाडे प्यारे महबूब मुहम्मद, दिल ठर गया, कलेजे ठंड पै गई, जदों दरूद दी छल आंदी है आसमाना तो अल्लाह रहमत आंदियां छंडा पा देगा, अल्लाह रह दरूद दी छंड आएगी, अल्लाह आसमाना तो रहमत आंदियां छंडा ते छल्ला, अल्लाह अकबर इधर वेख दियां चला जाना मेरे प्यारे वीर। मैं अर्ज कीता है मेरे तेरे प्यारे महबूब पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह दे नबी फरमा देने मैं ऐन नाल आला नहीं आखिया, क्यों जो कारियां दे आला हमजे दे अंदर जेडे अलफ ते जेर जबर आ जावे पेश आ जावे उन्हों कारियां दी जबान अंदर हमजा बोलते ने, यानी कारियां दे हमजे दे अंदर ते ऐन दे अंदर फर्क महसूस होएगा, बाकी लोगों का तो पता ही नहीं लगता। हुण लिखना चाहे कोई, बाकी जनाब मौलवियां दे खिताब लिख नहीं सकता, खारी जड़ा पढ़ेगा जुमला हदीस पढ़ेगा या कुरान की आयत पढ़ेगा उते पता चलेगा ते हमजा पढ़ रहा है या ऐन पढ़ रहा है, जा पढ़ता पिया या जाल पढ़ता पिया है, क्यों जी हाँ जी ता या ता वा या वाद, क्यों जी उदा पता चलेगा, कले कले लफ्ज दा कोई लिखना चाहे तो लिख सकता अल्लाह के फजल नाल, इधर वेख दे चले जाना। इसे वास्ते मेरे प्यारे नबी ने फरमाया अला अला अला, ठीक है ना जी हमजे नाल अला, खबरदार ओ लोगो खबरदार, इन दुनिया मलऊना, दुनिया मलऊने, अल्लाह अल्लाहु अकबर, दुनिया मलऊने मलऊन माफीगा, और जो को जे दे अंदर है वह भी मलऊने, लफज मलून समझ आती ना अरबी का लफज साड़ी जुबान च बोलिया जाता है, यानी दुनिया मलून है और जो कुछ दे अंदर मल वो भी है, जो कुछ भी है दे अंदर मौजूद है मलून है, केड़ी चीज मलून नहीं, इल्ला जिक्रुल्लाह, मगर अल्लाह दी याद अल्लाह दा जिक्र सुभान अल्लाह। एदे तो अलावा इधर सुनिया जे जरा जिवे ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं कोई माबूद नहीं, क्यों जी ला इलाहा कोई इलाह नहीं कोई माबूद नहीं, इस तरह ये हुई असलूब है, यानी दुनिया मलून है जो कि अंदर मलून है, जिमें उथे आख्या इल्लल्लाह मगर अल्लाह दे अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह दे अलावा कोई मस्जूद नहीं, अल्लाह दे अलावा कोई बिगड़ियां बनाने वाला नहीं, अल्लाह दे अलावा कोई औलादा देने वाला नहीं, अल्लाह दे अलावा कोई तंदरुस्तियां ते से देन वाला नहीं, इल्लल्लाह मगर अल्लाह ही माबूद है, अल्लाह ही मस्जूद है, अल्लाह ही खालिक और अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही राजक और दाता है। गल समझ आ गई ना तर्जमे दी, एहो ही असलूब इस हदीस दा है कि लोगो खबरदार अलर्ट हो जाओ, क्यों जी खबरदार अलर्ट हो जाओ, जी जी चौकस हो जाओ चुकन्ने हो जाओ, अल्लाह के अल्लाह दे नबी फरमा रहे ने खबरदार ए दुनिया मलऊन है, वो मलऊन माफी हा, और जो कुछ दे अंदर है वो भी मलऊन है, इल्ला इल्ला ज़िक्रुल्लाह, मगर
मगर अल्लाह का जिक्र, ठीक है ना जी। यानी अल्लाह के जिक्र तो इलावा नाल फरमाया वमा वलाहु है जी, हा पेश हु, ठीक है। वमा वलाहु, अगर रुकांगे थे वमा वलाहु, ठीक है ना जी। हुण गल समझ आई ना, और जेड़ी चीज अल्लाह नू पसंद होवे यानी सवाए अल्लाह दी याद दे ते उस चीज दे दुनिया दी हकीकत समझा जे। अज जिंदगी दे अंदर पहली मरतबा ए मजमून मंजर आम ते आन लगे अल्लाह दी तौफीक नाल, और बड़ी मेहनत नाल रातां जाग के दिना नू तैयारियां करके जदों टाइम और इत्थे कीर कलां दे अंदर दाखल हो के ते मैं जिहड़ियां चीज़ां याद करदा आ रहा सां वह मैं जनाब उस तो बाद मैं उन्होंने ठप्पिया, ठीक है ना जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह सुनिया जे जरा तवज्जो दे नाल। मेरे तेरे प्यारे महबूब ने फरमाया, हुण गल समझ आ गई ना, मलूल दुनिया और जो कोई दुनिया दे अंदर है इल्ला जिक्रुल्लाह, नाल फरमाया अल्लाह दी याद तो सिवा और ओ चीज जिन्हों अल्लाह पसंद करता है वमा और जो मा दा मेरा जो थे और जो वालहु यानी जेड़ी चीज अल्लाह नू पसंद है, अल्लाह नू महबूब है, क्यों जी, अल्लाह दी पसंदीदा चीज है ओ नहीं मलूल, बाकी मलूल है दुनिया एदी हसीयत ही कोई नहीं अल्लाह दे जिक्र तो अलावा। और दूसरी चीज जड़ी चीज अल्लाह नू पसंद है एदे तो अलावा दुनिया मलून है। नाल अल्लाह करीम ने एक और इस्तिस्ना फरमाया वालिमुन औ मुतअल्लिमुन, इल्म वाला आलिम, ठीक है ना, इल्म वाला और इल्म हासिल करने वाला तालिब इल्म ये नहीं मालूम, ठीक है। आह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, गल समझ आ गई ना। जिवें अल्लाह दी याद, ठीक है, अल्लाह दी याद तो सवा और जो जेड़ी चीज अल्लाह नू पसंद है ते इल्म वाले तो सवा ते इल्म हासिल करने वाले तो सिवा दुनिया मलून है, ठीक है। ऐ गल समझी है ना, तुसी लोग की हासिल करने वास्ते आंदे हो, इल्म, मैं अगे भी टच दिता है ना, इल्म हासिल करने आंदे हो, तुहाडा शुमार उन बंदिया दे अंदर है, वो काम करदे हो जेड़ा अल्लाह सोने नू पसंद है, अल्लाह नू महबूब है। अल्लाह ने ना लैके आख्या मेरे महबूब इन्हां नू दसो कि इलम वाला आलिम या मुतअल्लिम, आलिम इलम जानने वाला, मुतअल्लिम इलम हासिल करने वाला, इलम सीखने वाला, हाँ जी, ये तो अल्लाह के पसंदीदा काम है, इन चीजों को तो अल्लाह पसंद करता है, ये मलून नहीं। बाकी देखो मलून दुनिया क्यों है के जनाब असी लोगों ने अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले के अंदर दुनिया की मोहब्बत नू खरीद लिया, दुनिया की मोहब्बत अंदर मगन हो गए, अल्लाह दे रसूल दियां बातां नू छड़ के सोने नबी दियां सुन्नतां नू छड़ के अपनियां मर्जी दे दीन बना लए, मर्जी नाल जिंदगी गुजार लग गए। सोनिया जड़ी अल्लाह नू पसंद ना होवे चीज, अल्लाह दा जिक्र जेदे च ना होवे, हाजी इलम कुरान दा ना होवे, हदीस दा ना होवे, होर पासे अपनी जिंदगी बसर करे, अल्लाह दे नबी दियां सुन्नतां नू ठुकरावे, मर्जी नाल जिंदगी दुनिया दी गुजारे, तेरी ते दुनिया मलून है। जे मलून दा मतलब हुण गल समझ आ गई ना, हदीस दा वाज़े तौर ते फर्क महसूस हो गया, समझ भी आ गई, वाह वाह वाह, इल्म रखने वाले हो बड़े बड़े उलामा, सुभान अल्लाह, उन्हां दा तज़किरा ते अर्श वाले ने आप फरमाया, सुभान अल्लाह, उन्हां दा जिक्र ते अल्लाह ने आप फरमाया है, उन्हां नू अल्लाह ने आप पसंद फरमाया है, पसंदीदा अमल अल्लाह दे और भी बड़े ज्यादा जिहड़ा अल्लाह नू पसंद
ने बंदिया तेरा लम्मा लम्मा तेरे अमाल जड़े अल्लाह नू पसंद ने और भी ज्यादा ने काफी सारे ने उन्हां विचों अल्लाह ने दो अमल ते ऐसे बतलाए ने एक आलिमुन औ मुतअल्लिमुन यानी दो अमल करने वाले थे ऐसे बतलाए ना लैके अल्लाह ने दस दिता कि ये लोग मैनू बड़े पसंद ने ये मलूल कम नहीं है क्यों जी इलम सीखते पे हो ना यार जनाब एक है अल्लाह का पसंदीदा कम फिर और नाल ही अल्लाह करीम ने कुरान मजीद दे अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आल इमरान अंदर 14 नंबर आयत अंदर फरमाया زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّغَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ अल्लाह करीम ने फरमाया सुनते चले जाना زُجِّنَ لِلنَّاسِ मुज़य्यन कर दिया गया मुज़य्यन है जी जनाब मरहूब कर दिया गया लिन्नासी लोगों के लिए हुब्बु शगवाती मिनन निसा औरतों के साथ मोहब्बत को वल बनीन और औलाद को क्यों जी बस महबूब कर दिया गया महबूब मुजय्यन बना दिया गया खूबसूरत बना दिया गया औरतों के साथ मिन शगवात मिन निसाई वल बनीन वल कनातीर अल मुकंतरत मिन अज़्ज़हब वल फिद्दा वाह कुरान वाह तेरी आजमता तो कुर्बान जाइए इतना प्यारा अंदाज अल्लाह कहता है दुनिया वास्ते लोगां वास्ते दुनिया दिया चीज़ां चो औरतां दी महब्बत और दूसरी बात औलाद दी महब्बत और सोने चांदी दे ढेर है दौलतां दे ढेर मिन ज़हब ज़हब कहंदे ने सोने नू फिद्दा फिजा कहते ने फिजा नहीं गलत इतने द्वाद है जी फिजा यानी चांदी नू सोने नू चांदी सोने दे ठेरा नू ये जनाब महबूब कर दिया गया है जी जनाब नाल फरमाया वल खैल मुसव्वमा और निशान ज़दा निशान लगाए गए घोड़े निशान ला देंदे ने ए घोड़ा पांच कल्याण है ए घोड़ा लड़ाई वाला घोड़ा है ए जंग ते कम आंदा है खसूसी हाँ जी जनाब जेडे खूबसूरत निशान ज़दा घोड़े मरहूब बना दिए गए वल अन्नआम वल हर्थ फरमाया चौपाए और खेतियां हैं इन्हां पसंदीदा लोगां वास्ते मुजय्यन कर दिया गया है ज़ालिक मतअुल हयात दुनिया अल्लाह अल्लाह ये तो दुनिया की चंद रोजा जिंदगी का सामान है चंद रोजा जिंदगी का सामान है जाली का मता मता कहते ने सामान दौलत नू ए दुनिया दी जी हयात दुनिया दी चंद रोजा जिंदगी दा समाए वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब असल हकीकत ते बेहतरीन ठिकाना ओ अल्लाह दे कोले अल्लाह क्यों जी गल समझ आ गई ना ए चीजा जड़िया ना ले लेके बयान कीतियां गईयां ने ए दुनिया दी लोगां वास्ते
इन्हां दे अंदर मोहब्बत ज्यादा हो गई। क्यों जी? दुनिया दे नाल प्यार ज्यादा हो गया। क्यों जी? जेदे नाल प्यार बहुता हुंदा है ओदे नाल बहुतियां गल्लां करन नूं जी करदा है। क्यों जी? ये दुनिया दियां गल्लां 24 घंटियां विचों यानी 23 घंटे दुनिया दे मामलात, एक घंटा अल्लाह वास्ते, वह भी चंद लोग, वह भी गिने चुने लोग। क्यों जी? वह भी चंद लोग ने जड़े पंज नमाज़ा ही पढ़न, बस दौड़े दौड़े आए ते दौड़े दौड़े गए। क्यों जी? मस्जिद नाल प्यार पाना ते बड़े ही उते भूल भुलेखे वाली बात हो गई। मस्जिद नाल कितों? अल्लाह बस सुना दियो, लच्छेदार शेर सुनाई जाओ, लच्छेदार तकरीर सुनाई जाओ, भावें सही होन भावें गलत होन, बासी लोग वाह जी वाह बल्ले बल्ले ओ बल्ले कमालना कर दिया। किसी की सलाह की है को गल इलम पल्ले पाई गल इलम दी ये नहीं पता सानू, बस मौल अलामा साहब ने कर कमाल दी है। कोई कुरान दियाँ किनिया कहत आखे जी कैत भी नहीं पढ़ी तो फिर अलामा कितों हो गया? अलामा साहब ने कमाला कितों कर दतिया? वाह वाह तेरी जड़ मारन की कमाल कर दी उन्हें, जड़ कट दी तेरी, जड़ मार के रख दी। क्यों जी? अल्लाह अकबर किधर लग गई है दुनिया। अल्लाह अकबर अल्लाह दुनिया की हकीकत समझने वालो, अल्लाह करीम ने इन चीजों का ना लै लै के दसिया है। ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ये ते दुनिया की चंद रोजा जिंदगी का समा है, असल हकीकत के दे कोल। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, असल असल ठिकाना, असल असल चीज के कोल है। हाँ, वो असल नू वेख। क्यों जी? ए दुनिया पिछे लगेगा तो दुनिया तो मलून है। क्यों जी? जे कुरान छड़ देवें, हदीस छड़ देवें, अल्लाह की याद छड़ देवें, इलम तो दूर हो जावे तो फिर तो तू मलून दुनिया के पिछे ही लग गया। जी जी अल्लाह दे कोल बेहतरीन ठिकाना है, हुसन दा मैं ना चंगा बेहतर मआब, मैं ना लौटने की जगह ठिकाना जो अल्लाह ने बनाया है, यानी अल्लाह दे अल्लाह दे कोल बेहतरीन ठिकाना है। इसे तरह सूरा आले इमरान दी 185 नंबर हदीस, हजन 185 नंबर आयत आ गई और नाले दी वजात अंदर हदीस भी जनाब दे सामने बुखारी और मुस्लिम दी आएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह करीम ने फरमाया इस नंबर 185 नंबर सूरे आले इमरान, हाँ जी इतों बात शुरू हुई। अल्लाह फरमाते कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जीरू ने मौत वाला जैका चखना है, मौत हर एक नुआ करके रहेगी। इन्नमा तुवफ़ौन उजूरकुम यौमल क़ियामा, पूरे पूरे अजर दिते जाएंगे कयामत वाले दिन। हत्ता के मुहद्दिसीन ने हदीसा की वजाहत करदिया हुए आख्या दुनिया के अंदर दुनिया वाले दुनियादारा पूरे का पूरा इतने ही वह सिला दे दिता जाएगा। या दुनिया डुल गया, नमाज कहते नहीं जी फलान नमाज भी पढ़ता, रोजा भी नहीं रखता, दीन का कम नहीं, मसीते कभी आया नहीं गा, वो दीन वालों मस्जिद को कोई समझता नहीं गा, है जी वो तो इन्नी दौलत है, इन्नी दुनिया बनी है, और दुनिया बनी है आखरत ते नहीं ना, आखरत किवें बनदी दुनिया ते, वो ते लानत नू खट लिया उन्हें, लानत कट्ठी कर ली। अगर दुनिया की कोई सीयत होंगी प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह नू मिलदी या प्यारे नबी दी तलब फरमांदे, हाँ जी साहबान तरगीब दें दे के दुनिया दुनिया, हाँ जी दुनिया भी ठीक है, और अल्लाह दे बंदे हो एक है दुनिया मलून के जेदे जकात नहीं दिती गई, ये कि जेदे नाल हाँ जी मस्जिदा मदरसिया का हक अदा नहीं किया गया, गरीबा मिसकीना नू नहीं दिता गया, जायज जगह ते नहीं खर्च किए गए, अपनी औलाद ते लखा ते करोड़ा खर्च करते। अगर कोई गरीब बंदा दवाई तो बगैर 10-20 रुपए 100 रुपए की दवाई तो बगैर मर गया, ये तेनू पुछ होएगी और तेरी जे नेकी दे काम ते दुनिया ना खर्च हुई दौलत ते फिर मलून है, तू लानत नू खटिया है। अगर चाहना है कि तेरी आखरत बन जाए फिर सोनिया, हाँ जी पहली पोजीशन अव्वल जनाब प्यार और सब तो पहले अपने अल्लाह नू राजी करने वाले काम कर और मेरे नबी दिया हदीसा दे मुताबिक जिंदगी गुजार, फिर अल्लाह तेनू दुनिया अरबा ते खरबा दे देंदा है, जे जो खर्च करता रहे ओ दुनिया तेनू दौलत मिल गई, ओ मलून नहीं।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਲੂਨ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੁਣ? ਹੁਣ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਈ ਬਾਤ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਜੀ ਰੂਹ ਨੇ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਚਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਵਾ ਇਨ ਮਾ ਤਵਫਾਉਲ ਵਜੂਰਕੁਮ ਯੌਮਲ ਕਿਯਾਮਾ, ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਅਜਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਮਨ ਜ਼ੁਹਜ਼ਿਹਾ ਅਨਿ ਨਾਰਿ ਵਉਦਖਿਲਲ ਜੰਨਤ ਫਕਦ ਫਾਜ਼। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਕਦ ਫਾਜ਼, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਸੇ ਐਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੂਰਾ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ? ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? 185, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਆਖਰ ਤੇ ਨਿਚੋੜ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਲ ਹਯਾਤੁ ਦੁਨਿਆ ਇਲਾ ਮਤਾਉਲ ਗੁਰੂਰ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੰਦ ਰੋਗਾ ਰੋਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਧੋਖਾ ਤੇ ਫਰਾਡੇ ਫਰੇਬ। ਗਰੂਰ ਫਰੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੈਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ, ਉਹ ਗਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਗਰੂਰ, ਗੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਗਲਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ, ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਹੀ ਅਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ, 2 ਵਾਰੀ, 10 ਵਾਰੀ, 20 ਵਾਰੀ, 100 ਵਾਰੀ, 1000 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ, ਤੇ ਆਵੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ? ਨਿਪੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਪੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਿਕੰਮਾ ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਨ ਜੱਦਾ ਵਾਜਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਮਨ ਜੱਦਾ ਵਾਜਾ ਦਾ, ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋਹਦ ਜੱਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਜਾ ਦਾ ਵੋ ਪਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫਰਾਡ ਔਰ ਫਰੇਬ, ਧੋਖੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ ਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਰਾ ਹਦੀਦ ਦੀ ਐਤ ਨੰਬਰ 20 ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਰਲਮੂ ਖਬਰਦਾਰ, ਜਾਣ ਲੋ, ਇਲਮੂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੋ, ਅੰਨਮਲ ਹਯਾਤੁ ਦੁਨਿਆ ਲਾਇਬੂ ਵਲਹੂ ਵਜ਼ੀਨਤੁਂ ਵਤਫਾਖੁਰੁਂ ਬੈਨਕੁਮ। ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਣ ਲਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਓ, ਅੰਨਮਲ ਹਯਾਤੁ ਦੁਨਿਆ ਲਾਇਬੂ ਵਲਹੂ, ਇਹ ਤੇ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ੀਨਤ ਵਤਫਾਖੁਰੁਂ ਬੈਨਕੁਮ,
फरमाया ते जे वो जीनत और आपस अंदर बैनकुम, एक दूसरे के दरमियान ये जो फखर करने वाले हैं तफाखुर, एक दूसरे के दरमियान आपस में तुम फखर करते हो, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा इतना माल है, मेरी इतनी कोठियां हैं, मेरी इतनी जायदादें हैं, मेरी इतनी दौलत है, उसके पास क्या है, ये है तफाखुर बैनकुम। ए मतलब ए तर्जमाए नाल फरमाया वतकातुरुन फिल अम्वाली वल औलाद, फरमाया तकासुर कसरतों यानी मेरी औलाद और मेरा माल ज्यादा, क्यों जी फखर करते हैं बंदे माल से भी फखर किया जाता है, हैं जी ज्यादती देते चढ़ती की जाती है, हैं जी औलाद दे बारे अंदर फरमाया तका व तका सुरून फिल अम्वाली वल औलाद, फरमाया माल ते औलाद दे अंदर फखर करने वालो, एक दूसरे से सबकत ले जाने वालो, एदी मिसाल अल्लाह ने बयान फरमाई है, जेड़ा इना चीजा ते डुल जांदा है, इना चीजा दे अंदर मगन हो जांदा है, उन्हां दी मिसाल अल्लाह ने नाल ही बयान फरमाई है, कमसली गैसिन अजबल कुफार नबातू, अल्लाह फरमाया ते बारिश दी मिसाल है, क्यों जी बारिश गईस कहते ने बारिश में, अल्लाह मस्किना गईसम मुगीसम, है जी सा नाल गईस बारिश जे बारिश बारिश की दुआ करनी दे अल्लाह बारिश वसा साढ़े ते, हाँ जी फरमाया एदी मिसाल अल्लाह ताला ने दिती है, कमसल गईसिन अजबल कुफार नबातू, ये ते बारिश की मिसाल है और एदी पैदावार किसान नू भली मालूम होंदी है, भली मालूम होती है किसान जो बारिश होंगी फिर पैदावार होंदी है, किसान किसान चंगी लगती है ना, भली लगती है, कमाल होगी लह लहान दियाँ खेतियाँ है जी बड़िया। अच्छा इत्थे कुफार कुफार क्यों आख्या गया, असल ये तो ही काफर है, काफर दे दिल अंदर अल्लाह दे बारे अंदर शिरक, अल्लाह की तौहीद के बारे अंदर शिरक जिहड़ा हुंदा है ना वह छुपया हुंदा है काफर दे दिल च, गल समझ आ जरा, इस वास्ते उन्हूं काफिर आख्या जांदा है। ते ये जिहड़ा किसान है, किसान वास्ते लफज क्यों बोलिया गया, किसान दाने नूं जमीन के अंदर छुपांदा है, क्यों जी बीज बोंदे हो ना जमीन के अंदर छुपा देंदे हो ना, वह छुपाण के मायने च कुफार आख्या गया, समझ आ गई ना, अल्लाह अकबर वाह कुरान तेरी अजमतों तो कुर्बान, जी 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 फरमाया अल्लाह करीम ने मिसाल दिती है, ये ते मिसाल इंज फरमाया इन्हां चीजां ते माल दौलत ते औलादां दे उत्ते तराना, एक दूसरे दे दरमियान जिहड़ा फखर करना है जी बढ़ोती इन लोगां दुनिया के माल के बारे अंदर अपने आप नूं है जी बहुत ज्यादा समझना कि मेरे को इतना ज्यादा माल इतनी दौलत मैं कामयाब आदमी हाँ, लिख भी देना है भावे सूद दी भावे हराम दी कमाई है, गरीबां दा खून चूस चूस करके बंगले बना ले उते लिख दिता हाज़ा मिन फ़ज़ली रब्बी, क्यों जी कंजरां दियां कोठियां ते भी लिखिया होया, क्यों जी सूद खोरां दियां कोठियां ते भी हाज़ा मिन फ़ज़ली रब्बी लिखिया होया, कहंदे ने अल्लाह दा फजल है, क्यों जी हराम कमाई नाल तू अपना घर बनावे, हराम कमाई नाल अपनी औलाद दे हाँ जी अंदर लुकमा खुराक उन्हू पहुँचावे, अपनी औलाद नू खाण वास्ते हराम दा लुकमा देवे, ये अल्लाह दा फजल, ये तेरे ते अजाब दुनिया दी की हसीयत है, अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। जिस बंदे नू इलम नाल गरज है इंशाअल्लाह अगला जुमा सुनेगा, अगले जुमे अंदर दुनिया की हकीकत का पार्ट नंबर 2 बयान करांगा अल्लाह के फजल नाल, ओदे दसांगा कि दुनिया दुनिया है जी दुनिया पूरी दुनिया अंदर जो कुछ है ओदे नालों केड़ियां केड़ियां चीज़ां खैरुम मिन दुनिया व माफीहा।
ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨੇ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲੋਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਚ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਔਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕਮਸਲ ਗੈਸਿਨ ਅਜਬਲ ਕੁਫਾਰ ਨਬਾਤੁ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਨਬਾਤੁਹੂ ਉਸਕੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਲੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਜਾ ਬਲ ਕੁਫਾਰ, ਕਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਬੜੀ ਭਲੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ثم يهيج, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। فتراه مصفرا, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ثم يكون حطاما, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੂਰਾ ਚੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸਹੀਤ ਉਹਦੀ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡੁੱਲ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ। ਠੀਕ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਬਾਤ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਉਹ ਫੁੱਟਦੀ ਹੋਈ ਜਨਾਬ ਅੰਗੂਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਅੰਗੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਲ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਲਹਿਲਹਾਉਂਦੀ ਖੇਤੀ ਬੜਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤੀ, ਔਰ ਜਨਾਬੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜ਼ਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ। ਸੁੰਨਾ ਯਕੂਨੂ ਹੁਕਮ, ਚੂਰਾ ਚੂਰਾ, ਰੇਜ਼ਾ ਰੇਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹ وفي الآخرة عذاب شديد, اللہ کریم لے اے دے بعد انج کیوں آ کیا کہ آخرت اندر شدید قسم دا عذاب ہے, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ, ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵਫਿਲ عذاب شدید, آخرت اندر انہاں واسطے سخت عذاب ہے۔ نال فرمایا ومغفرۃ من اللہ ورضوان, جڑے اس چیز تو پرا رہندے نے, کیوں جی؟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮਗਫਰਤ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਮਲੂਨ ਕਿਉਂ? ਪੂਰੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨੋ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਕਲਾਬੇ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਜਵੇਦ ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੱਲੇ ਲਾਮਾ ਬੱਲੇ ਕਾਰੇ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਜੀ ਬੱਲੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪੱਲੇ 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 ਪਾਉਣ ਆਉਂਦਾ। ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਨਾ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾ। ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਲੋਕ ਵਮਗਫਿਰਾ ਤੁਮ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹਿ ਵਰਿਦਵਾਨ,
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਗਫਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਪਿਛਲੀ ਐਤ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਜਨਾ ਸੂਰਾ ਹਦੀਦ ਦੀ 20 ਨੰਬਰ ਐਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਆਇਆ, ਵਮਲ ਹਯਾਤੁ ਦੁਨਿਆ ਇਲਾ ਮਤਾਉਲ ਗੁਰੂਰ। ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ਾ, ਇੱਥੇ ਫਰੇਬ ਤੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ, ਬੁਖਾਰੀ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਹਦੀਸ, ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ 6427 ਨੰਬਰ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ 2742 ਨੰਬਰ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਅਨ ਅਬੀ ਸਈਦ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਸਈਦ ਖੁਦਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਤੁਰਵੈਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਸਈਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਖੁਤਬੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਖੁਤਬਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਸ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਬਾਤ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ, ਯਾਨੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਸਈਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਤ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਹੈ, ਇਨ ਦੁਨੀਆ ਖਜ਼ਿਰਤੁਨ ਹਲਵਾ, ਦੁਨੀਆ ਸਰ ਸਬਜ਼ੋ ਸ਼ਾਦਾਬ, ਮਿੱਠੀ ਹਰੀ ਭਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਲੱਕੇ ਦੇ ਚ ਕਸਰ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋਹਣਿਆ ਸੁਣ ਤੇ ਸਹੀ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਹਰੀ ਭਰੀ ਔਰ ਸਰ ਸਬਜ਼ੋ ਸ਼ਾਦਾਬ ਔਰ ਹਲਵਾ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਵਾ ਇਨਨਾ ਅੱਲਾਹ ਮੁਸਤਖਲਿਫੁਕੁਮ ਫੀਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਬੁਖਾਰੀ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖਣਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਨਾ ਅੱਲਾਹ ਮੁਸਤਖਲਿਫੁਕੁਮ ਫੀਹਾ, ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਵਾ ਤਾਲਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਤੁਝੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਹਬਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਂ ਕਰੀਬ ਰੂਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ, ਅੱਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜੋ, ਬੋਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਸਜਦੇ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਤੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਨਾ ਅੱਲਾਹ ਮੁਸਤਖਲਿਫੁਕੁਮ ਫੀਹਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਣੇ ਵਾਲਾ, ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲਾ। ਅੱਲਾ ਵੇਖੇਗਾ, ਫਨਾਜ਼ੀਰਾ ਤੁਨ, ਅੱਲਾ ਵੇਖੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਕੜ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟੌਰ ਟੱਪੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋਹਣਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾ ਸੱਲਮ ਨੇ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਅਲ ਅਲ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، خبردار او لوگو دنیا تو بچو، عورتاں تو بچو۔ کی مطلب، گندی عورت تو بچو، کریکٹر دی گندی عورت تو بچو۔ کیوں جی، نیک عورتاں تے نبیاں دیاں ماواں تے بیویاں تے بیٹیاں۔ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਨੇਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਧਦੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਨਾ 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 ਨਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਯਾਨੀ ਗਲਤ ਬਗੈਰ ਮਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੂਹਣੇ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ओनू टच करने तो बचो, ओनू बार बार वेखने तो इतफाक नाल अचानक नजर चली गई ते नजरां मोमिन झुका लै, बार बार वेखण तो बचो, ओदे नाल खलवत तो बचो, गैर महरम औरत ओदे नाल खलवत तो बचो, अलग रहण तो बचो, हत्ता के जवान हो जाण ते सगे बहन भाई इक चार पाई ते इक बिस्तर अंदर नहीं लेट सकदे। क्यों जी? अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह। जवान हो जावे ते मां नाल लेटण दी इजाजत नहीं। क्यों जी? अल्लाह अकबर अल्लाह। ये वेखते सही ना, इस हदीस का मतलब अला खबरदार फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, दुनिया तो बचो औरतां तो बचो। गल समझ आ गई। अगली बुखारी शरीफ दी हदीस 6416 नंबर, मेरे तेरे प्यारे महबूब नबी दे सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला फरमा दे ने, एक मरत मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंज मेरे कंधे तो पकड़िया, मोढ़े तो पकड़ करके अल्लाह दे नबी ने फरमाया, कुल फि दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरु सबील। ओए अब्दुल्ला बिन उमर, दुनिया च इंज रह जिमें को मुसाफिर सफर कर दिया हो, किसे साए तले दो चार मिनट आराम कर लेंदा है, बस इंज सफर ते अगला सफर है, अगला जहान, जहान ते अगला है, दुनिया ते इतनी चीज है। कोई मुसाफिर अपने सफर करने वास्ते जावे ते दो मिनट किसे दरख्त दे नीचे रुकने वास्ते कोथे महल बनाएगा, बनाएगा महल जी। फिर अल्लाह दे नबी ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला बिन उमर, कुल फि दुनिया का गरीब औ आबिरु सबील, इज दुनिया च रह जिवें को मुसाफिर इवें गुजारा करदा है, दो मिनट रस्ते अंदर आराम करके दम लैके अगे सफर ते रवाना हो जाता है। मेरे प्यारे नबी दे सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर दी अतात और फरमा बरदारी वेखो मेरे नबी दे फरमान ते। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाया करदे सन, अगरचे शाम हो जाए ते सवेर दा इंतजार ना करो, सवेर हो जाए ते शाम दा इंतजार ना करो। नाल कहंदे सन, अल्लाह अकबर, सेहत नू बीमारी तो पहले गनीमत जानो। गल समझ आ गई ना? और जिंदगी नू मौत तो पहले गनीमत जानो। हदीसा होर भी इहदे नाल मिलदियां जुलदियां, बात लंबी ना हो जाए। इसे वास्ते सही मुस्लिम शरीफ दी 2956 नंबर हदीस, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر। दुनिया मोमिन वास्ते कैद खाना है, काफिर वास्ते जन्नत। की मतलब? कैद खाना क्यों आख्या गया? मोमिन अल्लाह दी मुकर्रर करदा, अल्लाह दियां मुकर्रर करदा हदूद दा पाबंद। क्यों जी? उन हदां कायम कर दित्तियां, इस तों अगे नहीं बदना, ठीक है ना? मोमिन कैद इस वास्ते, वह मुकैयद है, कैद कैद है अल्लाह दियां हदूद दे अंदर अंदर, ठीक है? नबी पाक दे फरामीन दे मुताबिक जिंदगी बसर करेगा। मोमिन वास्ते इस वास्ते कैद खाना है कि मोमिन मर्जी नहीं कर सकता, अपनी मर्जी नहीं कर सकता। मोमिन दे जिस्म ते और उहदे वजूद दे उत्ते मर्जी चलदी है अल्लाह ते उहदे रसूल दी। गल समझ आ गई? इस वास्ते मोमिन वास्ते कैद खाना, तो काफर है जिहड़ा वह आजाद है। क्यों जी? वह जो दिल पै करे उहदे वास्ते जन्नत ही। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। इस वास्ते बुखारी और मुस्लिम दी एक होर हदीस आई जे हजरत अबू हुरैरा रावी ने, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, इंसान इंसान दा दिल दो चीज़ां दे बारे अंदर हमेशा जवान रहिंदा है। ये पहली बात फी हुब्बिद दुनिया व तूलिल अमल। फरमाया दुनिया की मोहब्बत और लम्बिया लम्बिया उम्मीदा,
वह अमल जिहड़ा हुंदा ना करना नेक काम, काम जिहदा माना बनेगा अमल, वह ऐन नाल ए अमल अमल आख्या हमजे नाल, ठीक है ना। हाँ हाँ जी मेरे प्यारे वीर, हाँ जी ये दो चीज़ा फिर बुखारी बुखारी शरीफ अंदर चार जगह ते हदीस आई, चार मुकाम ते, और जनाब उन्हां चो एक मुकाम जिथे मैं लै करके आया 3795 नंबर हदीस है, मुस्लिम शरीफ दी 1805 है, और जनाब हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला रावी ने, अनस दा पता है जिन्हें 7 साल मेरे नबी दी खिदमत, 7 साल नहीं बल्कि 10 साल, हाँ जी 10 साल मेरे नबी दी खिदमत की। इत्थे कोई बंदा साडी इलाके को हैसीयत नहीं, जीरो तो भी थले आ। कई बंदे कह देंदे ने फोन करके, कारी साहब मैं एक बारी तुहाडे नाल सफर ते गया सां फलां जगह ते जलसे ते, है जी मैं तुहाडे नाल एक दिन गुजारिया सी, है जी। कोई कहिंदा कारी साहब मैं तुहाडा बाडी गार्ड बन के इन्ने दिन इत्थे मजमे दे पूरे दे पहरा दिंदा रहा हैं। कोई कहिंदा कुछ, क्यों जी हालांकि की हैसीयत है साडी, कोई हैसीयत है ते उस बंदे दी शान ते क्या कहने जिन्हें 10 साल मेरे नबी दे नाल गुजारे, हुजूर दी खिदमत की। वाह वाह वाह, ए रावी ने हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला कहंदे ने प्यारे नबी फरमा देने अल्लाहुम्मा ला ईशा इल्ला ईशुल आखिरा, फरमाया आखरत ऐश ते ऐश आखरत दी ऐश ना, फअस्लिहिल अंसार वल मुहाजिरा, अल्लाह सुलो यानी सलाह रखी मुहाजरा और अंसारियां दे अंदर, यानी सीधे रस्ते ते चलते रहन। एक होर हदीस आ गई जे मुस्लिम शरीफ दी, इबन माजा अंदर मुसनद अहमद अंदर भी मौजूद है, हजरत प्यारे नबी ने फरमाया ओदे च दसांगे दुनिया दी बेहतरीन चीज की है, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर, उमर नहीं अब्दुल्ला बिन अमर, अमर जदों पढ़ना है रात तो अगे वाओ आएगी, ठीक है ना। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह तआला हाँ कहते ने प्यारे नबी ने फरमाया इन्नम दुनिया मता, फरमाया दुनिया एक सामान है, दुनिया एक दौलत, वलैस मिमताई दुनिया शैउन, फरमाया कोई चीज भी दुनिया दी अफजल मिनल मरअति सालिहा, नेक औरत नालों बेहतर चंगी नहीं है। गल समझ आ गई दुनिया की हकीकत। मेरा वक्त हो गया पूरा, अल्लाह अकबर, और मेरा पार्ट टू दुनिया की हकीकत दा इत्थों शुरू करांगे। जिहड़े बंदे नवे आणगे उन्हां नूं कोशिश करो कि यह जुमा उन्हां तक पहुँचाओ, ठीक है। ये अगले जुमे तो पहले पहले सुन लैन ते फिर उन्हां नूं अगले जुमे का पता चलेगा। सुभानक अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।